HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रघुवर दास ने कहा है कि जमशेदपुर की घटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में केवल एक धर्म के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर शास्त्री नगर प्रकरण जो पिछले दिनों जमशेदपुर को भी कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा कि लोगों के द्वारा जमशेदपुर शहर जलाने का जो षड्यंत्र किया गया था, उस निमित्त जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं सहित 20 हिंदू परिषद के लोग भी जो इस घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन के पास गया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज सारे लोगों से मैंने मिला, उनसे तथ्यों की जानकारी ली और तथ्यों की जानकारी के आधार पर मैंने जेल कैंपस से बाहर निकलकर राज्य के DGP से मैंने वार्ता की कि जो तथ्य हमारे पास है और जो घटनाक्रम जो घटित हुई है उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दोष लोग की भी गिरफ्तारी की गई है। अब जो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी को भी डेलीगेशन अपनी बात को रखने का, वैसे लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप इसका उच्च स्तरीय जांच, हमने DGP के समक्ष मांग रखी, उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं DIG से इसको सुपरविजन कराकर जो भी निर्दोष होंगे उन्हें छोड़ने का आश्वासन उन्होंने दिया। नहीं, जैसे मेरे साथ आज महानगर के अध्यक्ष हमारी पूर्व विधायक पोटका के मेनका सरदार जी, भूपेंद्र सिंह जी, राकेश जी, श्री राम बाबू तिवारी और संदीप शर्मा जो मंडल अध्यक्ष है, और बहुत सारे कार्यकर्ता भी थी जो हमारे गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम घटना में थे ही नहीं। अब सुधांशु ओझा को पुलिस से पकड़ के लाया और कहीं भी उनका कहीं से लेना देना नहीं, ठीक है, वो शास्त्री नगर में जरूर रहते हैं। अब उनके साथ पूरे उनके स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। अभय सिंह भी इस घटना से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह जो भी हिंदू परिषद के लोग इस घटना की निंदा के लिए डेलीगेशन देने गया था उसको भी गिरफ्तारी। तो ये साफ बताता है कि पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए हेमंत सरकार के दबाव में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, तो इसी संदर्भ में मैंने DGP से बात की कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो अभी उसे जरूर गिरफ्तार हो लेकिन निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।